देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को पॉलीथीन मुक्त बनाने के अभियान का संदेश अब जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र के घर घर पहुंच गया है। अभियान के तहत बादली के हर गांव के हर घर में कपड़े का थैला बांटा गया। इस अभियान के सूत्रधार हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ हैं। धनखड़ ने कहा कि उनका ये संकल्प पूरा हो जाता है तो पूरे देश में बादली विधानसभा क्षेत्र ऐसा पहला क्षेत्र होगा जहां हर घर में कपड़े से बना थैला पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 69वें जन्मदिन पर प्रदेश में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेशवासियों के साथ साथ बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता सब ने पीएम की लंबी उम्र की कामना की। लोगों ने अपने अपने अंदाज में पीएम को बधाई संदेश भेजे। हरियाणा के दो दिनों के दौरे के बीच बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा यमुनानगर के रादौड़ पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही जनता को पिछले 5 सालों में हरियाणा में किए गए बीजेपी के काम गिनाए। हरियाणा के सोनीपत में आज बीजेपी ने अनुसूचित जाति कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। जेपी नड्डा ने भीमराव अंबेडकर को लेकर विपक्ष को घेरा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक कटाक्ष किया और हरियाणा में चुनावी तैयारियों को एक नई दिशा दी। जेपी नड्डा ने सोनीपत के खरखोदा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला तो वहीं सीएम की तारीफों के पुल भी बांधे। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़े जाने के बयान पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीएसपी ने किसी के दबाव में आकर हमसे गठबंधन तोड़ा है। जेजेपी नेता ने कहा कि बीएसपी के कुछ नेताओं पर ईडी और सीबीआई के कई मामले चल रहे हैं, हो सकता है इन नेताओं पर इसी बात का दबाव बनाया गया हो। इनेलो वरिष्ठ नेता अर्जुन चौटाला ने रणदीप सुरजेवाला के कार्यकर्ता सम्मेलन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि किसी और के बारे में बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सम्मान दिवस रैली के बारे में बात करते हुए कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी रैली का हिस्सा हो सकते हैं। करनाल में पिछले कई दिनों से गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठे हैं। आज गेस्ट टीचर्स के प्रदर्शन के दौरान जिला सचिवालय के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स को रोका। प्रदर्शन कर रहे टीचर्स को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली। हरियाणा के पलवल जिले में 3 तलाक का मामला सामने आया। यहां पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर 3 तलाक का मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि उसके पति ने उसके होते हुए भी दूसरा निकाह कर लिया और उसके बाद उसके भाई के सामने ही 3 बार तलाक कहकर उसे और उसके भाई को घर से निकाल दिया। मोनक नहर पुल के नीचे कपड़े धोने गई महिला का पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में डूब गई। मामले का पता लगते ही ग्रामीण जमा हो गए और तलाशी अभियान शुरू करने की मांग की गई। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नहर के पास गुजरती सड़क पर जाम लगा दिया। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों को समझाकर जाम खुलवाया। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में आज 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय खेल का आयोजन पानीपत शिक्षा विभाग ने किया, जिसका जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल सिंह और खेल अधिकारी ने शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 1800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।